तो मेरे को इधर आके मिला, वो एक रिक्शा वाले के इसमें बैठा मैं, मतलब आई वाज गोइंग समवेयर, तो उसका एक तो द गाइस लाइक ड्राइविंग एकदम ही भारी, तो मेरा मस्त उसके साथ, मैं वाज बोल रहा दिस हूँ कोरला? हाँ नो नो दिस वाज थाने आई वाज गोइंग, ओके सो द गाय वाज मतलब लेके जा रहे हम लोग को अच्छे से, एंड मतलब आई एम लाइक वेरी हैप्पी, और मेरे से अच्छे से पूछ रहे कि अरे भाई यहाँ से लेफ्ट लो यहाँ से राइट लो, गए हो गया होल थिंग हैपेंस, एंड टर्न्स आउट हिज मीटर इज फॉल्टी, सो 8 सेगमेंट 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है ना, इरिटेटिंग. तो ऊपर वाला लाइन चालू है और टोटल आया है 120 कुछ तो, बट सो बिकॉज टैश ऑफ हम टैश टैश दिस दिख नो रहा इट लुक्स लाइक 720 बिकॉज ऊपर वाला है ना, ओके. हाँ तो 720 दिख रहा है, हाँ तो मैं निकाला 120 रुपया और मैं दिया उसको, और मेरे से वो नॉर्मली बात कर रहा है, बहुत अच्छे से बात कर रहा है, भाई वगैरह पूछ रहा है ऐसे से बोल रहा है, मैं माशाल्लाह. बोला बहुत मस्त है, तो मैं दिया उसको पैसा, तो बोला अरे देखो मीटर में कितना दिख रहा है, तो बोला हाँ हाँ वो खराब हो, मैं ऑब्वियसली आई सी द ह्यूमर इन थिंग्स, तो मैं बोला कि हाँ हाँ तू तो जोक मार रहा है ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड, हाँ हाँ 720 तो नहीं है बट खराब हुआ है वो, हाँ हाँ तो मैं अभी देख रहा है ना, अभी मेरे को नहीं मालूम कि 120 हुआ है कि 720, फुल कॉन्फिडेंस ही इज सेइंग दिस टू मी, ओके. बोला 720 तो डेफिनेटली नहीं हुआ बिकॉज आपने रिक्शा चलाया है ना पहले, आपको कभी भी 720 का भाड़ा मिला है क्या, तो वो बोला नहीं, तो मैं बोला तो ठीक है डन है, फिर देन ही इज गिविंग मी एग्जाम्पल कि नहीं, विवियाना जाने के टाइम पे 140 होता है, इधर हम लोग विवियाना के भी आगे आया है तो तुम कैसा 120 दे सकते ऐसे, एंड देन आई एम वेयरिंग अ हैट, ठीक है आई एम वेयरिंग दिस हैट आई एम वेयरिंग दिस ग्लासेस, आई नो वॉट आई लुक लाइक, हाँ आई नो आई लुक फ्रिकिंग रिडिकुलस, ठीक है, बट द थिंग इज कि यू नोइंग दिस और हुएवर आई एम आर्ग्यूइंग विद नोइंग दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज माई परस्पेक्टिव ऑफ मी, आई नो वॉट आई लुक लाइक नो, सो मेरे को बोलते ए बचकाने तू दे पैसा, मतलब ही टेल्स मी कि 120 रुपया दे बचकाने. या ओ 180 रुपया निकाल, मतलब माय. 60 रुपया टर्न टू 100, ऑब्वियसली मतलब ठीक है वॉट एवर इफ वॉट एवर दैट इज, ओके. तो मैं बाहर निकला रिक्शा के, मैं बोला कि मैं नहीं दे रहा है तेरे को लेने का तो ले, नहीं तो मैं पैसा लेके जा रहा हूँ ये भी लेके जा रहा हूँ, आई वॉन्ट टू इन साइड मतलब आई वॉन्ट टू गेट दिस ओवर बिकॉज माई प्लान ऑफ द नाइट वॉज नॉट टू कम डिस्कस विद यू, तो मैं लिया, मैं बोला कि मैं जाएगा, बोला तू जाएगा और उठ गया रे, एंड ही इज 4'7" तो वो छाती तक आ रहा है, तो मैं बोला दिस इज अ बिट एम्बेरसिंग, तो मैं उसके सोफे पे रख दिया, मतलब उसके वो सीट पर रख दिया और मैं चला गया, तो वो गाली वाली डाल रहे हैं मस्त, तो मैं बोला दिस डज नॉट अफेक्ट मी बिकॉज स्टार्ट ऑफ द पॉडकास्ट में मैं बोला था कि चल क्या हो गया फट गया क्या तेरी, दैट डजन वर्क ऑन मी एनी मोर, अभी नहीं चलता मेरे पे, हाँ अभी नहीं चलता मेरे पे, तो आई वाज लाइक कूल बाय, बट बहुत उसका लेकिन उसके ये था कि मौत मेरी महबूबा, हाँ वाज ऑन हिज ऑन हिज ऑन हिज रिक्शा, आई डिड नॉट वांट टू लुक, मौत मेरी महबूबा मतलब देख ऐसा के नहीं बैठना चाहिए था ब्रो. सॉरी बाय नहीं जाने गए जीने का मेरे बात मौत रिक्शा मेरी महबूबा किधर कम ऑन. बया किधर जाने गए, हो रहा मुरुन कॉलोनी ओके लुकिंग मौत मेरी में, ओह नहीं, सॉरी बया सॉरी किधर जाने का. वाज हिज नेम कामराज? आई डिड नॉट नॉट कामराज, यमराज, सॉरी. व्हाटएवर हिज नेम वाज डूड हिलेरियस रहते हुए ऐसा लोग बहुत ताने रिक्शास गाइस. बहुत भारी बंदो ओह माय गॉड. स्मार्टेस्ट 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 आई लव इट, बट ऑब्वियसली आई वॉच डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए, तो मतलब आई एम प्रीटी श्योर एवरीबॉडी हैज डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट, इंडियन कॉमेडी में आई वुड स्टिल से कि द बेस्ट स्पेशल दैट केम आउट लास्ट ईयर के वेव में वाज कनन, हां यस इट वाज नॉट दिस वाज कनन बट आई डोंट आई एग्री इट वाजंट दिस वाज. For me, It was Kanan coming. was very It was smart. coming. It was coming. Because I didn't see most of the punchlines coming. Just slapped me in the face. It was Yeah, too good. normal. Kaha tha bhai wo. Best, best. So, I remember Or there was TV. this... There is this one Right bit... one. Tell me. There is this one bit where he talked... Like, you remember when Abhish Mathi used to do this? That he used to get the comedian to talk about the bit that he just performed? A journey of a joke. Journey of a joke. It's yeah. still going on. Haan, so usme he had got this one, I think Kanan Gill once. And he had just spoken about this guy, like Bill Burr basically. So Bill Burr ka ek bit hai, helicopter bit ka. So what is new about that bit is ki he tells the same story but from two perspectives.
He's stopped by the police officers and he doesn't speak the language or something like that. And then unko uski pocket mein wo condom milta to zip karte uske samne. So then he is narrating the story to another friend. So he does the exact same thing and then he and people are laughing at the fact that how he's narrating. Oh damn, I gotta watch it again. It was too good. Meko bahut meta laga. And seeing that he wanted to do it and then he actually did it. Genius. Yeah. I loved that. Yeah. That was too good. I had a similar experience when I went to watch Rohan recently. So I'd seen the same set exactly a year ago in Headliners. Right. And I was like, yeah, same set. But then he added new material to it. Right. And I was like, oh, I've seen the set evolve now. He's added time and he's added a new thing to it. And I was like, oh, this is nice. That's pretty nice. Because most people will be disappointed. That is when I paisa waste ho gaya. Aur dusre wala, I am a good audience. मैंने पर्सनली कभी भी कोई भी जो एक बार ही बोला बिकॉज मैं क्या ऑडियंस में मतलब कॉलेज में ही किया नहीं मैंने बहुत रिपीट हां तो आई मीन दैट्स दैट्स व्हाट यू डू यू एक्चुअली ग्रो योर जोक आई थिंक आई हैव डन द भीम बिट ट्राई इट स्टक नो नो बट आई थिंक यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आई हैव अंडरस्टूड इट बट आई डोंट हैव टाइम टू डू इट बट आई डोंट वांट टू ट्राई न्यू स्टफ ऑल द टाइम आई गेट समटाइम्स यू गेट बोर्ड आई डू इट मेबी समटाइम्स आई गेट टाइम बट द मोस्ट फन आई हैड वाज सोनिया स्कूल दे गिव मी It was supposed to be, so, I told you this. No, I have not heard this. So they were doing this open mic where you could play music, poetry, whatever. Right. There were two stand-up acts, me and this other girl. Okay, so this other girl, mera naam itna last name, pata nahi ki utna last name. Okay, but that was a good thing because faculty utti gaya. Faculty utti gaya, mera temper. And I had 100% clean set. Okay. कुछ भी करके मैं क्लीन किया था और मैं एक रात पहले एक बजे एंड पांच बज रहे ठीक है एंड आई थिंक 20 पार्टिसिपेंट्स इजी 20 समथिंग लंबा लाइन दैट्स वेरी गुड फिर भी इट्स गुड फिर भी राइट साइड इज फुल बिकॉज ऑर्गेनाइजिंग कमिटी बैठा था ठीक है राइट साइड सो देयर इज टू सेट्स ऑफ बीच में पार्टीशन ठीक है इधर चेयर ऑलमोस्ट खाली दो हीरो भरा और इधर फुल ठीक है And I was very happy. And okay, there were two stand-up acts. The first lady, I don't know why she registered. Okay, she might have registered because she was bored or something and she wanted something. Oh. She went on stage. She's like... She went on stage and she's like, okay, I have no material. And I was like, okay, that's a good joke. And I don't know what to talk about. I'm like, good joke, continue. And that was it. क्या बात कर रहे हैं शी जस्ट स्टूड ऑन देयर हाय माय नेम इज सो एंड सो सो एंड सो आई हैव नो मटेरियल एंड समथिंग शी सेड एंड देन शी वेंट ऑफ ओके एंड अपेरेंटली शी वाज अ स्नॉब बिकॉज शी वाज देन बिचिंग अबाउट द होल थिंग एज इफ इट वाज देयर फॉल्ट दैट शी डिडंट हैव मटेरियल या शी लिटरली डिडंट हैव मटेरियल आई डोंट नो व्हाई शी साइंड अप फॉर इट एंड आई वाज फाइन आई थिंक देयर वर थ्री स्टैंड अप एक्ट्स यस बट द थर्ड वन आई डोंट रियली कंसीडर बिकॉज शी डिड अ केनी सेबास्टियन का सेट Oh, okay, copy. So, yeah, cool. So, I was like, hey, fuck it. But she didn't even give it her own twist, like, khud ka body language. She just did, I'm like, okay. Exact same. Exact, no. I'm not talking about change in material. But the way you deliver it. Kuch to khud ka. She didn't do any of that. So, I was like, theek hai, chalo, theek hai. And then this lady comes on. And I was like, chalo, kuch to. Let's see what the scene is at my Umar stand-up ka scene. She is like, I have no material. I'm like, okay, I don't know where this is going to go. I was not expecting her to literally have no material. Who would come if they didn't have material? And she just went off stage and then I went on and I was... I told you, there were three stand-up acts and the other people had done like sad poetry music and Ghana. And I think the person before me did poetry. So the audience is not in the zone. Not in the zone. Yeah. But... thankfully it was when you appreciate poetry but I was the most energetic act because obviously because you're not doing the same art form the other ones who were doing comedy they were not very energetic low
And it was a lot of fun because the audience was, I think it was a little refreshing for them for someone to have someone who jo energy dikha raha tha aur jo original content kar raha tha. And my things really worked there. Acha, like, patana, yeah, good laughs, good laughs. Kill, nahi, I wouldn't say kill, but like it was fun. I got laughs where I expected them. Right. Yeah, unexpected laugh nahi mila. I think when you get an unexpected laugh, that's the best. Yeah, that is. But just like you said, like you said. हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे उधर ऐसी बात कर रहे हैं. Yeah, exactly. You're just saying something and it's very funny for them. I'm like, okay, wow, that's funny. Yeah. That didn't happen, but it was fun. And I'm pretty sure I was. Yeah. There's no much competition, man. Comedy is one of the most fun things to do, I think. Yeah. That was a good experience. उधर जाके मतलब मैं hilarious चीजें भी देखा. मतलब एक बंदे का ये हो गया था कि on Facebook some dudes messaged him something kuch to karke, and then he had to, this guy is from IIT, okay, so he had to come out and say on his Facebook ki are guys, this guy is matlab some person xyz and I am abc, okay, so abc is posting on Facebook saying ki xyz has taken this video of me and has morphed me into some of this some porno situation, okay. And then is circulating this video among my friends. I want to tell you all ki aisa nahi hai and I am the right guy aur maine aisa kiya nahi hai aur ye kuch nakli hai wagaira, he is telling you. This guy is IIT, theek hai, is doing his PhD whatever at Cornell aur ye ho raha hai. Oh shit, aur main has raha hu, aur main has raha hu, main bas bhari has raha hu. So I remember, matlab I have the biggest smile on my face every time I meet him because it lets me believe ki har koi mein thoda sa wo hai matlab probably bad luck first of all or maybe I don't know, my opinion about this is ki I don't think this has happened to him without doing anything, usne kuch to kiya hai to hua hai uske sath ye. Yeah, you just, yeah, nobody just makes up porn or doctor randomly kaise tere ko pick karega banda koi, like if it's, see yeah, that's the point. If you tum IIT se ho, tum PhD kar rahe ho, doesn't matter, luck tumhari le legi, life tumhari legi, aisa hai to I feel now he cannot meet anybody without them giving him a very acknowledging smile. I love your work, main dekha tera chhota tha. But ajeeb se hota hai. Oh man, this, wow. Out of all the things that could have happened to him, out of all the things, but no, the guy is like smart and all, okay, yeah, obviously. He's like genius banda hai wo, but ha, this also happened basically. Sometimes you get a snapback to reality. Oh god, sometimes you gotta have to.